As you can see, we are to discuss now the quota sampling. And quota sampling, as the name suggests, is related to quota sampling. And in order to understand this quota sampling, you can recall the stratified random sampling. So, quota, certain quota, itna quota, tel ka quota, and like that. So, let us outline the lecture first. You can see quota sampling. What is quota sampling and what are the basics of quota sampling, and few examples we shall take to understand. So we shall firstly understand the concept of quota sampling. Then there are two types of quota sampling, controlled and uncontrolled, you can see, and then its merit, and finally its limitations. So this is also a very brief lecture, and this is also a type of non-probability sampling technique. We shall also discuss it. So let us start the lecture. So the name quota, tel ka quota, chini ka quota, just this is very important concept in order to understand the quota. So quota sampling technique is one of the important type of non-probability. Ek to non-probability ye bhi hai, convenience bhi tha, ye bhi. Non-probability sampling technique, as one of the important type of non-probability sampling method, is apparently similar to stratified random sampling. अब थोड़ा याद करो कि स्टेटा में क्या होता था, कोटा फिक्स करेंगे, मेल कितना लेंगे, इसलिए स्टेटिफाइड की तरफ इशारा कर रहा, फीमेल कितना लेंगे, रूलर कितना लेंगे, अर्बर कितना लेंगे, तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ कोटा. सो इट इज एपरेंटली सिमिलर टू स्टेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग. और ये सब चीज याद रखना, जीके में भी पूछ सकता है कि स्टेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग एपरेंटली या कोटा सैम्पलिंग एपरेंटली किस इसमें से किस सैम्पलिंग टेक्निक के करीब है, या इसमें से कौन राइट चॉइस है. तो छोटी छोटी बातें याद रखना. द रिसर्चर इन दिस टेक्निक फर्स्टली आइडेंटिफाइज डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट ईच स्ट्रेटा आर्बिट्ररली. कितना लेना है, कोटा डिसाइड करता है. वहां स्ट्रेटा कहा था, यहां कहे कि कोटा फिक्स कर दिया कि इसका कितना कोटा है सिलेक्शन का, इसका कितना कोटा है, इस तरफ इशारा. क्योंकि ये कोटा इसलिए आ गया कि वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है स्टेटिफाइड, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. इन फैक्ट द रिसर्चर चूज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज टू डिसाइड एंड क्रिएट कोटास फॉर फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड सैंपल. मतलब पिकुलियर टाइप की स्टडी में पिकुलियर तरह के लोगों को सिलेक्ट करना है, इसके लिए ये सैंपलिंग टेक्निक, बाद में इसके मेरिट्स में हम लोग देखेंगे, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज के आधार पे कोटा डिसाइड करता है. इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर हैफाजार्ड सैंपलिंग. ऑब्वियस है, वो तो सबसे पुअर टाइप का सैंपलिंग टेक्निक है. हैफाजार्ड का मतलब वही कन्वीनियंस. सो इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर हैफाजार्ड सैंपलिंग इन विच the researcher recognizes categories as male female rural urban etc. वहां कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ कन्वीनियंस देखना है. और इसीलिए हम एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि इट इज सिंपली ए कंसेप्ट. कन्वीनियंस सैंपलिंग, हैजार्ड सैंपलिंग इज सिंपली ए कंसेप्ट. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन रिसर्च, मतलब इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर रिसर्च पर्पस. अब पायलट वगैरह सर्वे वगैरह में या फिर मीडिया वाले लोग इसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन आमतौर पर रिसर्चर इसका इस्तेमाल करेगा, इसकी जरूरत ये नहीं है. सपोज द रिसर्चर एज पर द रिक्वायरमेंट सेलेक्ट 50 मेल्स एंड 50 फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, 50 मेल एंड 50 फीमेल्स फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल्स एंड लाइक दैट. तो ये कौन सा हो गया, कोटा, कोटा सिंपल. Once the researcher fixes category by his quota, he she uses the convenient sampling technique to select the unit of the sample. देखो, हमने शुरू में एक बात की थी
कि कन्वीनियंस सैंपल ऐसा है जो की कंसेप्ट है किसी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का। लेकिन अब कोटा सैंपलिंग में क्या है कि पहला स्टेप हम लोग रेस्ट्रिक्शन के अंदर करते हैं, कोटा डिसाइड कर लेते हैं। वंस द कोटा इज डिसाइडेड वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट इज बीइंग यूज्ड इन कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो पहला स्टेप कोटा का फिक्स किया और फिर उसके बाद रोल शुरू किसका हुआ, कन्वीनियंस सैंपलिंग का, और कन्वीनियंस किसका, रिसर्चर का। द चॉइस ऑफ द एक्चुअल यूनिट्स टू फिट इनटू द डिसाइडेड फ्रेमवर्क इज ऑन रिसर्चर। कोटा फिक्स कर दिया, बाकी किसको लेना है, कैसे लेना है, उस कोटा के अंदर में किसी को भी ले सकता है। इनफैक्ट कोटा सैंपलिंग इज लाइक प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग विद द ओनली डिफरेंस दैट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज नॉट रैंडम इन कोटा सैंपलिंग व्हिच इज ए नेसेसरी कंडीशन इन स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग। मतलब ये प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग की तरह का ही है, लेकिन इसमें हम लोग रैंडमनेस को फॉलो नहीं करते हैं, और जब फॉलो ही नहीं करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड नहीं हुआ। लेकिन समझने के लिए कि स्ट्रेटिफाइड की तरह ही कोटा भी डिसाइड करते हैं। कोटा सैंपलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड एज द पुअर्स मैन। ये भी जीके का, ये आपका नेट वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है, व्हिच इज नोन एज द पुअर्स मैन। कोटा सैंपलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड एज द पुअर मैन्स प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि व्हिच वन इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल ऑफ द पुअर्स मैन या पुअर्स मैन, तो ऑब्वियस है उसका आंसर क्या होगा, कोटा सैंपलिंग। सो यू मस्ट रिकॉल, मस्ट कीप इन माइंड टू स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन ऑन सर्टेन आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया, फिक्सिंग द कोटा अगेंस्ट द चूजन स्ट्रेटा एंड सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कोटा बाय रिसर्चर आर द थ्री स्टेप्स ऑफ कोटा सैंपलिंग मेथड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर। To stratify the population on certain identified criteria, पहला स्टेप। Fixing the quota against chosen strata, दूसरा स्टेप। And the last and the third step, and selection of units on the basis of fixed quota by researcher are three steps being employed in the process of the sampling technique, that is quota sampling technique. As for example, profession. असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यदि आपको कोई इंटरव्यू लेना है या आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो कितने प्रोफेसर को सिलेक्ट करिएगा, कोई कोटा फिक्स कर दीजिए। कितने एसोसिएट प्रोफेसर से इंटरव्यू लीजिएगा या कुछ नायर भरवाइएगा। आपका मतलब जो सैंपलिंग का टाइप होगा कोटा, उसमें कोटा प्रोफेसर का कितना होगा, एसोसिएट का कितना होगा, असिस्टेंट का कितना होगा। और यदि और कंसीडर लेना चाहते हैं तो मेल का, फीमेल का, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, टेक्निकल, तो ये कितना किस ग्रुप से लेना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड सो थ्री स्टेप्स। टाइप्स ऑफ कोटा सैंपलिंग में हमने शुरू में ही कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कोटा सैंपलिंग। एक तो ये भी आप याद रखें, पूछ सकता है कंट्रोल्ड, और ऑब्वियस है दूसरा क्या होगा, अनकंट्रोल्ड। So there are two types of quota sampling, controlled quota sampling and uncontrolled quota sampling. Controlled quota sampling imposes restriction on the researcher's choice of samples. Here the researcher has limitation in selection of samples. मतलब control नाम से ही clear है। Uncontrolled quota sampling does not impose any restriction on the researcher's choice of samples. Here the researcher chooses sample numbers at will. So, control or uncontrol, quota to lenge, lekin kitna lenge, kaise lenge, aap fix kar diya ki itna professor lena hai, 1:2:3 ke ratio mein aapko professor
एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लेना है, या 1:3:6 के रे, तो ये कंट्रोल्ड हो गया। और कितना प्रोफेसर लेना है, कितना लेक्चरर लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेना है, कितना एसोसिएट प्रोफेसर लेना है, यदि फिक्स नहीं है तो ऑब्वियस है कौन सा हुआ, अनकंट्रोल्ड। सो फार एज द मेरिट्स ऑफ कोटा सैंपलिंग इज कंसर्न, एक तो पहले कि इट इज बेटर देन कन्वीनियंट सैंपल, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शन कम होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इट इज कन्वीनियंट सैंपल फॉर रिसर्चर, एवरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज ए कन्वीनियंट सैंपलिंग इन कंपेरिजन टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, बिकॉज द बेसिक्स ऑफ एवरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज द कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस इज रिलेटिव, ये ऑब्वियस है कि इसमें कन्वीनियंस जो होता है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग हैपजर्ड सैंपलिंग टेक्निक के की तुलना में कम है। इसीलिए हमने कहा कि वेन एवर यू आर डिस्कसिंग मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। इट इज कन्वीनियंट सैंपल फॉर मिसिंग और इनकम्प्लीट सैंपलिंग फ्रेम्स, मतलब मिसिंग है नहीं है तो भी, क्योंकि कोटा लेना है नहीं है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इट इनेबल्स द रिसर्चर्स टू इंट्रोड्यूस ए फ्यू कंट्रोल्स इनटू हिज हर रिसर्च प्लान, ये भी ठीक है। इट इनेबल्स द रिसर्चर टू इंट्रोड्यूस इन कंपेरिजन टू हूम कन्वीनियंस। इट इज यूजफुल वेन क्विक एंड क्रूड रिजल्ट आर डिजायर्ड, जल्दी ऊपर से ही गवर्न हो रहा है। इट गारंटीज द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेटा ऑफ द पॉपुलेशन, गारंटी इसलिए करता है कि कोटा तो फिक्स करते ही है ना, तो भी तो कोटा सैंपलिंग है। इट इज मोर यूजफुल फॉर ए स्मॉल सैंपल साइज, उसमें से कोटा फिक्स करना आसान हो। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इंडिविजुअल्स हु कैन प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक तो कोटा है, उस कोटा में हमको किसको लेना है, कन्वीनियंस चूंकि रिसर्चर का देखते हैं, तो अपनी सहूलियत के अनुसार उन लोगों को शामिल किया जा सकता है जिससे हमको रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। नाउ इट इज द लिमिटेशंस ऑफ कोटा सैंपलिंग, इन दिस सैंपलिंग देर इज नो मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग रैंडमनेस। रैंडमनेस तो किसी में, कोई भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग लेते नहीं है, तो सबका लिमिटेशन है और ऑब्वियस है कि इसका भी है। इट इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑब्वियस है कि ये इसका लिमिटेशन है। इट लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि जब रैंडमनेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जनरलाइज करना कठिन है, उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होगी। देयर अकर सब्जेक्टिविटी इन सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो सब्जेक्टिविटी होगी। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन एरर, क्योंकि कोटा लेते हैं तो क्लासिफिकेशन करने में यदि कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स की हमको स्टडी करनी है, ढंग से क्लासिफाई नहीं कर पाए तो क्लासिफिकेशन एरर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन एरर, स्पेशली वेन द रिसर्चर इज इनएक्सपीरियंस्ड एंड इग्नोरेंट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। सो यू कैन सी दैट कोटा सैंपलिंग इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, बट रैंडमनेस इज नॉट बींग टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज वाई इट इज बींग कॉल्ड एज द पुअर्स मैन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, और उसमें भी प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग टेक्निक की बात कर रहा है। ये कंट्रोल्ड भी होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल का मतलब यह है कि जब रिस्ट्रिक्शन, कुछ किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है यदि रिसर्चर पर तू और नहीं है तो अनकंट्रोल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोटा सैंपलिंग। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल अबाउट